डांसर सपना चौधरी अब करेंगी नेतागिरी। जी हाँ, डांसर सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई है। पार्टी ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सदस्यता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। सपना चौधरी को इसी दौरान सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर बीजेपी महासचिव शिवराज सिंह चौहान, रामलाल, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सपना चौधरी ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के लिए कुछ सोचना जरूरी नहीं था। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, पार्टी के हर एक काम से प्रभावित हूँ। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपना चौधरी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर विवाद हुआ था। प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी और दावा किया गया था कि वह कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि बाद में सपना चौधरी ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद सपना चौधरी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ नजर आई और उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया। तब उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ दोस्त के नाते नेता मनोज तिवारी के लिए प्रचार कर रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सपना चौधरी ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के लिए कुछ सोचना जरूरी नहीं था। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, पार्टी के हर एक काम से प्रभावित हूँ। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में रविवार को मशहूर डांसर सपना चौधरी ने पहली सदस्यता हासिल की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी महासचिव रामलाल और मनोज सिंह तिवारी की मौजूदगी में सपना चौधरी ने बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी अभी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रही है। सपना चौधरी का बीजेपी में शामिल होने की बात तब पक्की हो गई जब दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर पूर्व दिल्ली के बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने सपना चौधरी और भोजपुरी गायक खेसारी लाल के साथ अपने क्षेत्र में एक विशाल रोड शो किया था। सपना चौधरी और भोजपुरी सितारे खेसारी लाल को देखने के लिए कई लोग अपने घरों की छतों और बालकनियों में खड़े दिखाई दिए। मैम, एक बात तो बता दीजिए, किस तरह से क्या क्या करेंगे आप? मैंने अंदर से मैंने कुछ सोच के सदस्यता नहीं ली और कुछ काम बिना सोचे समझे भी किए जाते हैं। और मेरे ख्याल से बीजेपी ज्वाइन करना कुछ सोचना नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी है और ज्वाइन करने के लिए कुछ सोचना समझना ज़रूरी नहीं होता। और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो पार्टी की हर चीज़ से हम प्रभावित हैं।